तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग फोर नॉबल ट्रुथ्स के बारे में बात करेंगे और अष्टांगिका मार्ग के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं एट फोल्ड पाथ। तो ये दोनों चीजें देखेंगे बहुत ही कम समय में। देखिए नॉबल एट फोल्ड पाथ में थोड़ी देर में आता हूं, नॉबल फोर ट्रुथ्स के बारे में बात की जाए। इससे पहले कुछ एक चीज देख लीजिए, चार चीजों को याद रखिएगा, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और मग्ग। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं दुख का मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, ट्रुथ ऑफ सफरिंग। तो ट्रुथ ऑफ सफरिंग को आप बोलते हो दुख, बुद्धिस्ट फिलोसफी में। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इस चीज का पता चलना कि भाई ये जो दुनिया है वो सौरों से भरी हुई है और जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो दुख ही लेके आती हैं, और इसी चीज को रियलाइज करके गौतम बुद्ध ने अपना घर को छोड़ा था। देखिए यहां पे भी लिखा हुआ था, फर्स्ट टू ट्रुथ डिस्क्राइब्ड और करंट सिचुएशन। ये तो खैर अभी के सिनेरियो से रिलेट करके बोला गया है। दूसरा क्या है, दुख समुदाय। दुख समुदाय यहां पे लिख देता हूं मैं, दुख समुदाय, SAMUDAYA। इसमें क्या है, कॉज ऑफ सोरो, कि भाई हमारे दुख का कारण क्या है। तो बुद्धा ने बताया कि जो हमारे दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिजायर। हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं और उन चीजों जब हमें वो मिलती नहीं है तो उसकी वजह से हम होते हैं दुखी। तो इसको बोलते हैं द कॉज ऑफ सफरिंग, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो ये बुद्ध का बोलना था और ये बात काफी हद तक सही भी है। उसके बाद आता है दुख निरोध, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सोरो या द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो इसको आप बोलते हो दुख निरोध, DUKKHA, दुख और निरोध, NIRODHA। यानी कि इसको भैया किस तरीके से हम कम करें अपने दुख को। तो अपने दुख को कम करने का बुद्ध ने एक ही तरीका बताया कि ये जो डिजायर था, ये जो कॉज ऑफ सफरिंग था, आप इसको खत्म कर दें। द मोमेंट जब आप अपने डिजायर को ही खत्म कर दोगे, जो चीज आपको चाहिए है उसकी चाहती अपने मन में नहीं रखोगे, तो आपका दुख अपने आप चला जाएगा। और उसके बाद एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं दुख निरोध मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता, MAGGA। तो इस मार्ग में क्या था, पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। यहां पर क्या बोला गया है कि भाई किस तरीके से हम अपने सौरव को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको पाथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सौरव भी बोल सकते हैं। तो यहां पे गौतम बुद्ध जी ने क्या बताया, गौतम बुद्ध जी ने बताया कि हमको एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ को अवॉइड करना चाहिए। इससे पहले वाली अगर वीडियो मैंने आपको, आपने देखी अगर मेरी बनाई हुई फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए जो गौतम बुद्ध जी का बचपन था वो एक्सट्रीम लग्जरी में था और उन्होंने एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी भी प्रैक्टिस किया घर छोड़ने के बाद। तो उन्होंने बोला कि दोनों खराब है, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी भी खराब है और एक्सट्रीम लग्जरी भी खराब है। यानी बिल्कुल ही मजे में रहना, सुख में रहना, वो भी खराब है और बिल्कुल ही दुख में रहना, वो भी खराब है। हमको एक मिडिल पाथ पकड़ना चाहिए जिसको हम बोलते हैं मध्यम पतिपाद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मध्यम, सॉरी फॉर द राइटिंग फ्रेंड्स, पतिपाद, PATA PATA। तो हमको इस चीज को फॉलो करना चाहिए बुद्धा के हिसाब से। और उसके लिए बुद्धा ने क्या बताया, उसके लिए बुद्धा ने बताया एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। यानी जो हमारा सफरिंग को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो पाथ है, उसके लिए एट फोल्ड पाथ हमारा बुद्धा ने बताया। उस पे जाने से पहले फ्रेंड्स, बुद्धा को ना केवल टीचर बताया जाता है, बुद्धा को एक ग्रेट फिजिशियन ही बोला जाता है। कहा जाता है कि भैया वो हीलिंग भी करते। तो हीलिंग वो किस तरीके से करते थे, तो उसमें भी यही चार चीजें आएंगी, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, मग्ग। यानी सबसे पहले तो इलनेस को, आपके दुख को आइडेंटिफाई करेंगे और इलनेस के नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको बोला जाता है डायग्नोसिस। फिर दुख समुदाय, फिर वो ये पता करेंगे भैया उस वो जो बीमारी है उसका कॉज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको बोला जाता है इटियोलॉजी। फिर दुख का निरोध, यानी फिर वो उस प्रॉब्लम का एक क्योर ढूंढेंगे, जिसको बोला जाता है प्रोग्नोसिस। और फिर वो एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जिसको बोला जाता है मग्गा। यानी कि भैया उस इलमिस को कैसे ट्रीट करना है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो एक बुद्धा को ना एक फिजिशियन की तरह भी यहां पे दिखाया गया। तो यही चारों चीजें वहां पे भी आती हैं जो भी अभी मैंने आपको बताई। तो ये था फ्रेंड्स फोर नोबल ट्रुथ्स, और फोर नोबल ट्रुथ्स में जो लास्ट था द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, जो कि ये यहां पे आपको दिख रहा है, इसमें बोला गया कि भैया एट फोल्ड पाथ में चलना है। अब सवाल आता है कि भाई एट फोल्ड पाथ क्या है। तो यहां पे देखिए भाई फ्रेंड्स, एट फोल्ड पाथ आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपको दिख रहा है द डिवीजन ऑफ विजडम। तो डिवीजन ऑफ विजडम को फ्रेंड्स आप प्रज्ञा स्कंद भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये कुछ अलग से चीजें बता रहा हूं जो आपके मेंस में आपके काम आ सकती है या ऑब्जेक्टिव में आपको सामने दे सकती है। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाए कम है, लेकिन जब एट नॉबल एट फोल्ड पाथ के बाद आप बारे में जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो चाहे आप डिवीजन ऑफ विजडम भी लिख सकते हैं, और डिवीजन ऑफ विजडम से अगर आप प्रज्ञा स्कंद बता देंगे तो एक अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस है। उसी तरीके से डिवीजन ऑफ एथिकल कंडक्ट, डिवीजन ऑफ एथिकल कंडक्ट को बोला था शील स्कंद, SHEEL और स्कंद।
और पहला कौन सा था? प्रज्ञा स्कंद। और फिर आता है द डिवीजन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, तो डिवीजन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में आता है आपका समाधि स्कंद, तो इसको याद रखिएगा समाधि, SAMADHA, स्पेलिंग आपको पता ही है स्कंद। और भैया आपका डिवीजन ऑफ विजडम प्रज्ञा स्कंद क्या आता है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट। डिविजन ऑफ एथिकल कंडक्ट के अंदर आता है राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। डिविजन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन के अंदर आता है राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट लाइवलीहुड। अभी राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट लाइवलीहुड क्या है ये तो देखिए फ्रेंड्स आपको पता ही है। एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो डिविजिबल ऑफ एथिकल कंडक्ट है इसमें राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड दे रखा है, और मेंटल डिसिप्लिन वाले में भी इसने राइट आपका लाइवलीहुड दे दिया। तो यहाँ पे राइट एफर्ट है, राइट माइंडफुलनेस है और राइट मेडिटेशन है। तो यहाँ पे मेडिटेशन, राइट लाइवलीहुड की जगह आप कर सकते हो राइट मेडिटेशन, ठीक है। ये लाइवलीहुड यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया, तो इस राइट लाइवलीहुड की जगह आप राइट मेडिटेशन कर सकते हैं। इसको कुछ और भी बोला जाता है समाधि स्कंद में, तीन चीजें, एक राइट एफर्ट तो बोला ही जाता है, दो चीजें आपको कहीं किसी और जगह से देखोगे तो क्या दे रखा होगा, राइट मेमोरी दे रखा होगा आपको, ठीक है, और राइट माइंड मेडिटेशन दे रखा होगा, ठीक है। तो राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन दे रखो, तो राइट मेमोरी यहाँ हो जाएगा राइट माइंडफुलनेस और राइट मेडिटेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो राइट, क्योंकि लाइवलीहुड यहाँ पे कॉमन हो गया, तो लाइवलीहुड यहाँ पे आ रहा है डिवीजन ऑफ एथिकल कंडक्ट में, डिवीजन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में आ रहा राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, या फिर राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। तो अगर इतनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अगर आप याद रख सकते हैं तो इनफ है। तो अगर आपसे 8 4 Noble Truths पे सवाल पूछा जाता है या फिर 8 Fold Path पे सवाल पूछा जाता है तो आप इतना कोट कर दीजिए, नंबर मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहिए।